वेलकम टू माय जुगाड़ो किचन सेटअप। मैं हूँ अमोल मोहंती और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे उड़िया न्यू ईयर की, या फिर पौना संक्रांति या फिर महाविष्णु संक्रांति की। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं बोल ही दिया है पौना संक्रांति, तो फिर पौना बनाने में हम देरी क्यों करें भाई। आप लोगों को पता है आज की जो रेसिपी है बेला पौना है, और बहुत ही ईजी है, सिंपल है। 5-6 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसमें, और आपका जो ड्रिंक है वो रेडी है। तो बेला पौना या फिर बेल का शरबत तो बनाते हैं। ये फ्रूट है, आप देख सकते हैं दो बेल मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन दोनों की शेप डिफरेंस है, और काफ़ी फ्रूट जो है वो दिखने में भी डिफरेंट है, लेकिन अच्छे हैं, पके हुए हैं, और ये उसकी निशानी है। मतलब उसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और पका हुआ ये तो। पके हुए जो बेल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, और उससे पौना अच्छा बनता है। तो इसको पहले मैं तोड़ लेता हूँ, मतलब इसको जो फ्रूट है इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसके अंदर का जो पल्प है वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये तो थोड़े से पेड़ से गिर के टूट गए थे, फिर से मैं थोड़ा सा और इसको तोड़ दूंगा। इसे पक गया है अच्छे से, तो इसको अभी निकाल लेते हैं एक स्पून की मदद से। ये जो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो इसके अंदर सीड्स भी काफ़ी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको एक साथ डाल दीजिए पहले, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे वो जो बीज है उसके। तो पल्प को मैं एक बोल में ले रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ। अभी इसके अंदर हमको पानी डाल देना है, हमको जितना हिसाब से पानी चाहिए उतना हमें इसमें डाल देना है। तो मैं पहले इसमें डाल रहा हूँ एक गिलास। तो सबसे पहले इसको इसी में अच्छे से हमें जो पल्प है इसको मिला लेना है, उसको मैश कर लेना है, पूरी अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे। तो मैं इसको मैश कर लेता हूँ अच्छे से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके कुछ बीज हैं और कुछ उसके थ्रेड्स हैं जो कि फ्रूट के अंदर थे, और वो सब निकल गए हैं अभी। तो मैं इसको, ये जो ड्रिंक है इसको मैं एक बोल में अभी मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगा, जिससे ये जो सारे इसके सीड्स और जो भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा हैं वो सब निकल जाएंगे, और हमको प्योर एक्सट्रैक्ट मिलेगा बेल का। मैंने स्ट्रेन कर लिया इसको अच्छे से, और अभी ये जो है पूरा पल्प है, और इसको अगर आप चाहें तो ऐसे ही पी सकते हैं। मतलब बेल काफ़ी मीठा होता है, आपको थोड़ा सा अगर शुगर चाहिए तो शुगर ऐड करें, आप ऐसे ही पी सकते हैं इसको। लेकिन हम जो ओडिया स्टाइल जो पौड़ा बनाते हैं, बेलो पौड़ा जो होता है वो मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे लगेंगे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास गुड़ है, मैं डाल रहा हूँ, आप चाहें तो शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गुड़ के साथ अच्छा लगता है, तो ये मैं डाल देता हूँ इसमें। तो लगभग 4 चम्मच मैंने डाले हैं यहाँ पे, टेबलस्पून, और उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालूँगा। तो ये है मेरे पास छेना, मतलब फ्रेशली छेना मैंने बनाया घर पे, आप चाहें तो बाहर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश छेना होता है उसका टेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया, ये है मेरे पास कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, इसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया लगता है इसके अंदर। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारा मीठा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक थोड़ी हल्की एक तीखापन की ज़रूरत है, वो इससे आ रहा है। और ये हो गया, इसमें मेरे पास थोड़े कुछ आइस हैं, आइस मैं डाल देता हूँ इसमें। ये आइस हैं, और थोड़े से मेरे पास नट्स हैं, मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ इसमें अभी, और बाकी गार्निशिंग में डालूँगा। तो इतना काफ़ी है अभी के लिए। और ये मेरे पास जो केला है इसको मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल देता हूँ, और बाद में इसको अच्छे से आपको मिलाना है इसके अंदर, ताकि सारा चीज़ जो है इसमें अच्छे से मिल जाए। आप चाहे तो बनाना चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके उसको अच्छे से मैश किया जाता है, तभी उसका फ्लेवर
पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना मतलब इसको थिक करना है, कितना आपको इसको गाढ़ा करना है या फिर आपको इसको पतला करना है, उस हिसाब से आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जो बेल का शरबत है ये अभी बन चुका है, रेडी है एकदम से। अभी इसको ग्लासेस में सर्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं थोड़ा से आइस ले लेता हूँ यहाँ पे। काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ये मेरे पास जो ग्रेटेड नारियल था वो डाल देता हूँ, और थोड़े से ये मेरे पास नट्स रखे हुए हैं वो डाल देता हूँ। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा बेलो पोणा या बेल का शरबत। ट्रेडिशनल बेलो पोणा और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और इसकी जो खुशबू है मतलब इनवाइटिंग है, दिखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इससे ज़्यादा और क्या हम समर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और रेसिपी मैंने आपको दे दी है, अगर आपने कभी बेलो पोणा ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करिए, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, आराम से मिल जाएंगे और आराम से घर में 10 मिनट में बन जाएगा। तो डेफिनेटली इसको ट्राई करिए और मुझे बताना मत भूलिए कॉमेंट बॉक्स में कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दो उड़िया शेफ, आपको पता ही है। थैंक यू सो मच।